वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ रियल एंगेजमेंट मेकअप ट्यूटोरियल ऑन डस्की स्किन टोन। सो ये मेरी रियल क्लाइंट है एंड ये मेरी रिलेटिव भी है, आप ऐसा समझो। सो मैंने इनका एंगेजमेंट मेकअप किया, इनकी एंगेजमेंट थी तो रियल ब्राइड है। सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हम डस्की स्किन टोन पे मेकअप करेंगे। क्लेंजिंग के लिए हमने लैक्टोकैलामाइन का यहाँ पे वाइप्स यूज़ किया है। अच्छे से फेस को क्लीन करना है, आपको किसी भी वाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। सारे प्रोडक्ट मैंने परचेस के अमेज़ॉन से, सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। सो एम्ब्रोलिस का नेक्स्ट यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। टोनर भी यूज़ किया गया था यहाँ पे डॉटन की का, वो स्किप हो गया दिखाना, बट हाँ आप टोनर भी लगा सकते हो क्लेंजिंग के बाद। मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा लेना, ये ड्राई स्किन थी इनकी, ऐसे इनको ना स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा आती है। इनकी स्किन आप देखोगे सामने से तो आपको लगता है ड्राई, बट इनको स्वेटिंग बहुत आती है। तो हमने सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ किया, जैसे कि कलर बाग का प्राइमर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट मैं डीकोड का यूज़ कर रही हूँ, एस ऑफ बेस कंसीलर एंड करेक्टर पैलेट। सो अगर आप भी डस्की स्किन टोन पे मेकअप कर रहे हो तो आपको किस बात का ध्यान रखना है और कैसे आपको बेस देना है, आपको क्या करना है, इनके एग्जैक्ट स्किन टोन से दो शेड डार्क शेड को लेना है। जैसे कि मैंने इसी पैलेट से डार्क कॉन्टोर वाला जो शेड होता है एंड हल्का सा ऑरेंज शेड उसमें मिक्स किया एंड इंटायर फेस पे मैं पहले अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं एक कैनवेस दे रही हूँ फेस को, मतलब जो स्किन टोन है ना उसे दो शेड डार्क दे रही हूँ, ताकि बाद में अगर मैं दो तीन शेड लाइट फाउंडेशन भी लगाऊँ ना तो क्या हो, फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं करे। मैंने इनको बिल्कुल भी फेयर नहीं किया था, एक टोन दो टोन मैंने फेयर किया था बिकॉज ऑफ कैमरा रिंग लाइट रहता है तो लाइट लगता है, अदरवाइज मैंने इनको बिल्कुल भी फेयर नहीं किया था। जो इनका नेक का कलर था बैक का कलर था सेम लग रहा था, जबकि मैंने नेक पे मेकअप किया था और बैक पे नहीं किया था, फिर भी इवन लग रहा था क्योंकि मैंने ज़्यादा लाइट किया ही नहीं था। फाउंडेशन के लिए मैंने फॉरएवर 52 का यूज़ किया फाउंडेशन एंड सॉपेडेल का, दोनों का मैंने डार्क शेड यूज़ किया। एक का मैंने यूज़ किया है कैरेमल शेड, एक का मैंने हनी शेड एंड इसमें मैंने मिक्स किया एफ्लाइजा का मैजिक ड्रॉप, जो कि वाटर रेसिस्टेंट मेकअप के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं वाटर रेसिस्टेंट मेकअप क्या होता है। देखो गर्मी आ चुकी है तो अब हमें ऐसा मेकअप करना है जिससे क्या हो, मेकअप मेल्ट ना करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट फेस पे हाथ भी रखे तो स्टैम्पिंग ना आए, दाग ना पड़े, क्लाइंट को अगर स्वेट आए तो वो रुके, तो इसे ही हम वाटर रेसिस्टेंट मेकअप बोलते हैं। स्वेट रेसिस्टेंट भी इसको बोला जा सकता है क्योंकि मैंने देखा है कि इस तरह से मेकअप करने पे बिल्कुल स्वेट भी नहीं आता है एंड अभी जैसा मंथ है ना अभी स्वेट इतना आता भी नहीं है। तो इसमें हमने मिक्स किया, अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर स्किप कर सकते हो, कोई भी आप मैटिफाइंग फाउंडेशन ले सकते हो, जैसे कि हुडा ब्यूटी, बॉबी ब्राउन, फॉरएवर 52 का प्रो फाउंडेशन, सॉपेरल एंड नार्स का फाउंडेशन, ये सब काफ़ी अच्छा होता है। नार्स वैसे रेडियंट फाउंडेशन है बट मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप डर्मा, फॉरएवर 52 एंड हुडा ब्यूटी यूज़ करो, ये सब आपको पूरा का पूरा मैट लगेगा। तो गर्मियों में मैं मैट प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैंने यहाँ पे क्रेलॉन डर्मा का डीजे ट्रू शेड को यूज़ किया हाईलाइटिंग के लिए, एग्जैक्ट मैंने फाउंडेशन शेड का ही लिया है कंसीलर को एंड मैंने बिल्कुल ज़्यादा क्वान्टिटी में अप्लाई नहीं किया है, बहुत कम क्वांटिटी में अप्लाई किया एंड इसको मैंने ब्लेंड किया है पीएसी के ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे ब्रॉन्जिंग। सो मैंने शुगर का ब्रॉन्जर यूज़ किया इन दी शेड वुडी वॉन्डर, तो आप अच्छे से ब्रॉन्जिंग कर लीजिएगा। ब्रॉन्जिंग करने से फेस को एक फीचर्स मिलता है, फेस पतला दिखाई देता है, सो इस वजह से मैंने ब्रॉन्जिंग किया एंड गर्मियों में मैं ना क्रीम प्रोडक्ट अवॉइड करती हूँ, मैं लेस क्रीम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हूँ। सो ये पूरा का पूरा गर्मियों के लिए मेकअप है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम आप ना अपडेट करो मेकअप अब क्योंकि अब गर्मी आ गई है, तो डेफिनेटली इस मेकअप को आप ट्राई कीजिए एंड डस्की स्किन टोन पे कैसे मेकअप करना है आज आपको समझ आ गया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे तो मेरे क्लाइंट को बिल्कुल भी फेयर नहीं होना था, इन्होंने मुझे बोला था जो मेरा कलर है वही करना है, सो मैंने फिर भी एक टोन किया था एंड इनको पसंद भी आया था काफ़ी ज़्यादा, इनकी फैमिली में सबको पसंद आया था। सो दो टोन आप फेयर कर सकते हो, एक टोन कर सकते हो, बट हाँ किसी को मिल्की वाइट नहीं बना सकते हो आप एंड एकदम कूल अंडरटोन का नहीं बना सकते हो, तो ऐसा ही फेयर कीजिएगा जो सही लगे देखने में सामने से। मैंने क्या बोला, अभी कैमरा है लाइट ऑन है तो इसलिए आपको ये लाइट भी लग रहा होगा, अदरवाइज एकदम स्किन टोन का मैंने इनका मेकअप किया था क्योंकि फाउंडेशन में मैंने हर कुछ डार्क शेड का इस्तेमाल किया है।
सो ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया था फॉरएवर 52 का पैलेट। हाइलाइटर के लिए मैंने दो हाइलाइटर यूज़ किया, एक तो मैक का, एक मैंने फॉरएवर 52 का हाइलाइटर। लूज पाउडर के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का यूज़ किया इन दी शेड 25। अब मैं लॉरियल का इनफेलेबल कंसीलर ले रही हूँ इन दी शेड 317 एंड अच्छे से मैंने कंसीलर को अप्लाई कर दिया, उसको सेट कर लिया। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का यहाँ पे ब्राउन काजल एंड इसको मैं स्मस कर रही हूँ पेंसिल ब्रश की मदद से। ब्राउन काजल बहुत यूज़ होता है एंगेजमेंट ब्राइड के ऊपर, सो आप ना एक ब्राउन काजल ज़रूर अपने वैनिटी में रखो, जैसे कि आप फॉरएवर 52 रिकोड का ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से अच्छे से आपने ब्राउन काजल को स्मस किया। थोड़ा सा बड़ा ब्रश अब मैंने लिया एंड मैं ले रही हूँ हुटा ब्यूटी का नॉटी न्यूड पैलेट एंड मैं ये वाले शेड को ले रही हूँ एंड मैं क्या कर रही हूँ स्मस कर रही हूँ इस तरह से। आप शुगर का पैलेट भी ले सकते हो, जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। हुडा ब्यूटी थोड़ा महंगा है, 5000 का है, तो शुगर का आपको 1100-1200 में मिल जाएगा, इसलिए मैंने रेप्लिका उसका फ़ोटो लगा दिया है। नेक्स्ट मैं एक लाइट शेड को ले रही हूँ बड़े से ब्रश की मदद से एंड जहाँ हमने डार्क ब्राउन शेड को लगाया था उसके जस्ट ऊपर मैं इस तरह से स्मस कर रही हूँ। मैं यानी कि डार्क से लाइट की ओर जा रही हूँ। पहले मैंने एग्जैक्ट डार्क ब्राउन शेड को यूज़ किया, फिर मीडियम ब्राउन, फिर लाइट ब्राउन। आउटर कॉर्नर के पास भी हमने डार्क कलर को इस्तेमाल किया इस तरह से। डार्क कलर को इस्तेमाल करने से क्या होता है, आउटर कॉर्नर पर आइज थोड़ी सी बड़ी नज़र आती है, ओपन नज़र आती है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये वाला आई मेकअप था, बहुत ही ईजी था। सिर्फ आपको 3 से 4 ब्राउन शेड का यूज़ होगा, जैसे कि डार्क, लाइट। पहले डार्क कलर अगर अप्लाई कर रहे हो आप तो उसको फिर लाइट कलर से ब्लेंड करोगे। यदि आप ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो तो ऊपर से तो आप जानते ही होगी लाइट से डार्क जाना है। नेक्स्ट मैंने ये दोनों लाइट शेड को इस्तेमाल किया है, बड़ा सा ब्रश है एंड मैं इंटायर क्रीज एरिया को ब्लेंड कर दूंगी इससे, इससे जो भी हार्ड साइन होगा वो नज़र नहीं आएगा। सो बहुत ही ईजी वाला आई मेकअप है, बहुत ही ईजी, आप आराम से अचीव कर सकते हो इसको, कोई तामझाम इस आई मेकअप में नहीं है। ये आई मेकअप बिगनर्स भी कर सकते हैं जो नया नया अभी मेकअप स्टार्ट किए हैं। सिमर लगा देना है बीच में, मैंने ये वाला गोल्डन शेड को यूज़ किया है सेंटर पे। अब मैं लूँगी दूसरा पैलेट हुडा ब्यूटी का फिर से एंड मैं ब्लैक आई शेड लूँगी पेंसिल ब्रश की मदद से एंड इस तरह से मैं जहाँ हम लाइनर लगाते वहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे, यानी लैसेस से क्लोज इस तरह से। फिर इसको ब्लेंड करेंगे हम ब्राउन आई शेडो की मदद से। सो कैसा लगा आपको आई मेकअप? सेंटर पे हम ग्लिटर प्राइमर को अप्लाई कर रहे हैं एंड हम अप्लाई करेंगे ग्लिटर जो कि है ब्रांड फ्रॉम एलआईटी इन दी शेड प्रोशलिन। आईब्रो को फिल इन करने के लिए मैंने आई शेडो पैलेट में से ही ब्राउन एंड ब्लैक शेड को लिया है एंड अच्छे से मैं आईब्रो को फिल इन कर रही हूँ। सो अच्छे से आईब्रो फिल इन करने के बाद लोअर लैशेस को कंप्लीट करेंगे हम। सो हमने डार्क ब्राउन शेड एंड लाइट ब्राउन शेड का इस्तेमाल किया है। मेबलिन का मस्करा यूज़ कर रही हूँ, स्काई हाई मस्करा, काफ़ी अच्छा है। जो भी एक्सेसिव लूज पाउडर आपने रखा था उसको रिमूव कर दीजिएगा। लिपस्टिक है, मैंने यूज़ किया मेबलिन सुपरस्टिक का लिपस्टिक इन दी शेड 75। लैसेस मैंने अप्लाई कर दिया है, मैंने अमेजोन से लिया है। मेकअप फिक्सर के लिए मैंने मेकअप रोशन का ग्लो फिक्स मेकअप फिक्सर यूज़ किया है। लास्ट में मैं रिकोड का काजल ले रही हूँ एंड इस तरह से टाइट लाइन कर रही हूँ वाटर लाइन पे एंड लास्ट में मैंने मेबलिन का लाइनर यूज़ कर लिया था पतला सा ताकि फिनिशिंग नज़र आए। लैसेस लगाने के बाद मैं हमेशा लाइनर लगाना प्रेफर करती हूँ। मस्करा लोअर लैशेस पे लगा दीजिएगा एंड हियर इज़ आवर फाइनल लुक। होप ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत प्यारी मेरी ब्राइड लग रही है ना सच में एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा वाला लुक टर्न आउट हुआ एंड बिल्कुल भी ओवर आपको मेकअप नहीं लग रहा होगा। तो इसी तरह से आपको मेकअप करना है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।